सेवा क्षेत्र में आए दिन जब भी कोई विवाद सामने आता है तो अवैध हथियारों से फायरिंग की बात निकलकर सामने आती है और फायरिंग में काफ़ी लोग घायल भी होते हैं। विवाद क्षेत्र में आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती हैं और अवैध हथियार का कारोबार बड़े ही व्यापक स्तर पर कामा क्षेत्र में चल रहा है और देखने को भी मिल रहा है। हालांकि समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कैथवाड़ा थाना अधिकारी राम नरेश मीणा कितने एक्टिव है इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो बड़ी ही कार्रवाई मानी जा सकती है। हम जानते हैं आज कैथवाड़ा थाना अधिकारी राम नरेश मीणा से कि किस तरीके से उन्होंने अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैथवाड़ा थाना अधिकारी राम नरेश मीणा जी, आज हमको सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो अमरूगा चौराहे पर है और उसके पास में अवैध हथियार है। सूचना पर हम नाकाबंदी में ही थे, मैं रवाना हुआ, खुद पहुंचा था वहाँ पर अमरूगा चौराहे पर। जो मेरा इन्फॉर्मर था उसने बताया तो उसके अकॉर्डिंग हमने उस लड़के को देखा। वो पुलिस गाड़ी को देख करके इधर उधर जाने लगा, लेकिन हमने उसको ये भी एहसास नहीं होने दिया कि ये क्या मेरे पास आ रहे हैं या कि दूसरे चले। हमने उसको घेर करके और वो खिसकने लगा, लेकिन हमने पकड़ा उसको। उसको जब चेक किया तो कह रहा था कुछ नहीं है मेरे पास में, लेकिन देखा तो उसके 115 का कट्टा भी था और साइड की जेब में एक राउंड भी था जिंदा। तो उसको हमने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम खालिद सनोर हाकम जो कस्बा कैथवाड़ा के रहने वाला है उसको हमने गिरफ्तार किया है और अवैध जो हथियार था उसको हमने जब्त किया। तो वो क्या कोई वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर निकला था, कैसे निकला था? वो ऐसा कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ एक पैसन के तौर पर भी ये लोग रखते हैं, कहीं जब वो इधर उधर जाते हैं तो लेके जाता है कोई शायद। अभी इससे अनुसंधान जारी है इस संबंध में कि आप ये हथियार कहाँ से लाए थे और किस पर्पज से आपने हथियार रख रखा। ये थे कैथवाड़ा थाना अधिकारी राम नरेश मीणा, जिन्होंने बताया कि मुकेश की सूचना पर उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह जी, ये थे कैथवाड़ा थाना अधिकारी राम नरेश मीणा, जिन्होंने बताया कि कामा क्षेत्र में किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमरूका चौराहे पर फिल्मी अंदाज में मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो आरोपी गिरफ्तार किया है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन मेवात क्षेत्र में एक चीज आए दिन सामने निकलने को आ रही है, अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने का एक फैशन बना हुआ है और उस फैशन के तहत लोग अवैध हथियार रखकर आए दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हैं। और ये आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है इसके पास एक कारतूस और कट्टा भी बरामद किया गया है, इससे पूछताछ में और कई खुलासे हो भी सकते हैं, यह पुलिस का मानना है।